नमस्कार, मैं मोमिन नाजरेत और सर काकली न्यूज़ मीडिया में। आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष सर रंगा रायचुरी जी। और जैसे कि मैं पता है कि महाराष्ट्र का जो ग्राम पंचायत चुनाव हुआ है, आम आदमी पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और कहीं ना कहीं जो मुख्य भूमिका जो था वो था रंगा रायचुरी सर का। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि जो ग्राम पंचायत चुनाव हुआ है तो आपके अगुवाई में जो चुनाव लड़ा गया, आम आदमी पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। सर, क्या रणनीति के साथ आपने ये चुनाव लड़ा था? 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद हम आम आदमी पार्टी ने कई चुनाव नहीं लड़ा था। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने का तो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि पहले तो ये कॉरपोरेट सेक्टर में अगर इधर उधर रहने वाले बड़े लोग, बैंक में कंपनी में काम करने वाले लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े, बाद में आम आदमी पार्टी में आए। गांव की सोच तो वहाँ जब तो सबसे ज़्यादा नहीं थी, तो ये लोगों का ग्रामीण चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव तो वो सोचा भी नहीं था। विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि हार बहुत बड़ी हो गई थी 14 में। तो बड़े नाम लेके सिर्फ चुनाव लड़ा और जीता जाता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, 14 ने हमको सिखाया था। फिर बाद में 19 को चुनाव लड़ने का था, तो भी आम आदमी पार्टी की कोई सोच नहीं थी चुनाव लड़ने की। तो मगर मैं पहली बार कन्वीनर बना था 19 में, तो मैंने थोड़े बहुत क्यों नहीं होती मगर जगह लड़ना चाहिए बोल के चुनाव में जाना चाहिए ऐसा सोचा था। 19 में विधानसभा की चुनाव पहली बार लड़े तो, मगर 14 में जितना वोट का रेशियो था उतना ही 19 में हमारा रेशियो बना रहा, क्योंकि हम पीछे भी नहीं गए थे मगर आगे भी नहीं गए थे, वहीं स्थिर थे। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब इसको लेके कैसे जाएंगे। शहरों में काम करने वाले कार्यकर्ता वैसे तो फुल टाइम ज़्यादातर नहीं थे, मगर हमने ये सोचा कि गांव में काम करने वाला कार्यकर्ता फुल टाइम रहता है, किसान का बच्चा काम खेत में काम करके आके भी फुल टाइम गांव में काम कर सकता है, तो चुनाव लड़ना है तो गांव में लड़े तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसा मेरी सोच थी। क्योंकि मैं पहले से गांव में ही रहता हूं, खेती करता हूं, गांव के लोगों के साथ पहले से जुड़ा हुआ हूं। तो हमने ये सोचने के बाद ये कुछ रणनीति करेंगे, इससे पहले ही लॉकडाउन आ गए। लॉकडाउन आने के बाद कुछ दिन हमारे वैसे ही चले गए। जून से लेकर हम 9-10 महीने एक आंदोलन से जुड़े रहे कि आंदोलन के सिवाय, संघर्ष के सिवाय संगठन नहीं होगा, और संगठन नहीं है तो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सोचने के बाद हमने ये सोचा कि आंदोलन इलेक्ट्रिसिटी के बिल का प्रॉब्लम खड़ा हो गया था, उसे लेके आंदोलन चलाएंगे। तो जून से लेकर आज तक हम उसका आंदोलन भी चलाए। बाद में किसानों का नुकसान भरपाई का आंदोलन था, किसानों का बीमा कंपनी का आंदोलन था, ये अलग अलग आंदोलन पूरे राज्य में हमने चलाए। तो तब तक हमारी 29 जिलों में और 40 या 50 तालुके में कमेटियाँ बनाई थी, तो उनको एक्टिवेट करना, उनको प्रोग्राम देना, उन्हें कोई तो काम में रखना, उसके सिवाय वो कमेटी सक्रिय नहीं बन सकती है और उसको कुछ संगठन खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये संघर्ष शुरू किया। तो पहली बार आंदोलन हमने पालक मंत्री घरों के सामने निदर्शन किए, कई कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में गए, कई लोगों के ऊपर केसेस हो गए, कई लोग दो दो दिन अंदर रह गए। तो ये संघर्ष चलता रहा, और आखिरी हमने ये सोचा कि शिवसेना ने अपने जाहिरनामा में ये लिखा था कि 100 यूनिट और मुफ्त देंगे ऐसा वैसा, तो मैंने ये सोचा कि अगर जाहिरनामा में लिखा है अगर नहीं देता है तो एक आदमी दूसरे आदमी को अगर झूठा बोल सकता है तो फसवेगिरी बोल के उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिए भी कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये है कि वो फंसा रहे लोगों को, इनके ऊपर केस दर्ज करेंगे, ऐसी एक आंदोलन हमने ले लिया। पूरे महाराष्ट्र में 200 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में मुख्यमंत्री के विरोध में तकरार हो गई। इसका मतलब ये था कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे मगर आंदोलन करते वक्त जेल में जाने का जो डर था उनका, पुलिस स्टेशन में केस होने की जो डर थी, वो डर को मैं निकालना चाहता था। और पुलिस स्टेशन में जाके अगर मुख्यमंत्री के विरोध में हम तकरार कर सकते तो डर निकल जाएगा, और दूसरी बात है कि लोगों को मैसेज जाएगा कि बाबा इतने ईमानदार है ये कार्यकर्ता कि झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री के विरोध में भी पुलिस स्टेशन में तकरार कर सकते हैं जी, ये मैसेज लोगों को भी भेजना चाहता था। सर, आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ संगठन का। सर, 2014 में तभी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, लीडरशिप भी था, परंतु आज 2021 में हम देखते हैं तो कार्यकर्ता भी नहीं है ना लीडरशिप है। और सबसे पहले तो अंजलि दमानिया जी थी जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, उसके बाद सुभाष शिवारे बने, उसके बाद ब्रिगेडियर बने। तो सर, क्या कारण है संगठन खड़ा होता है फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है गिरता है, सर प्रमुख कारण क्या है?
नहीं, वो संगठन नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष के सिवाय जो खड़ा हुआ संगठन है ना, ऐसे ही दोस्तों के जैसा रहता है जी। दोस्त कभी कर्मठ कार्यकर्ता नहीं बन सकता। दोस्त हमारा दोस्त कब सिंपथाइजर बन सकता है जी। मेरा दोस्त सिंपथाइजर बन सकता कर्मठ कार्यकर्ता नहीं। जब तक संगठन पार्टी ने जो भी प्रोग्राम दिया संघर्षशील और आंदोलन का, उस प्रोग्राम में जब तक जाके वो जाएगा नहीं, तब तक कार्यकर्ता नहीं बनता। आम आदमी पार्टी 14 साल में जो लोग थे ना, वो बड़े नाम वाले थे जी। नाम वाले लोग चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत सकते हैं, ये भारत ने कभी स्वीकारा नहीं है, देश ने। टीएन शेषन जैसा बड़ा नाम किसी का नहीं था, मगर टीएन शेषन का डिपॉजिट गया था। इसका मतलब ये है कि लोगों से जुड़ना सबसे पहली बात है जी। शिवसेना बड़ा नाम है तो चुनाव जीत जाएगा, ये 14 साल के चुनाव ने हमको सिद्ध कर दिया जी। बाद में जब तक तुम लोगों के संघर्ष संपर्क में नहीं रहेंगे, ग्रामीण भाग था तो ऐसा है कि रोज लोगों के साथ रहना पड़ता है। तो हमने 19 से शुरू किया, उसका ये रिजल्ट है। लीडरशिप बड़ी है, इसका मतलब ये संगठन बड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं जी। सर, MIM पार्टी 2014 तक उसमें महाराष्ट्र का अस्तित्व ही नहीं था। 2014 के बाद आज देखो, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील MIM के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके 2 MLA हैं, परंतु आज अभी तक आम आदमी पार्टी ने MP का क्या MLA का भी खाता नहीं खोला है। तो इसका प्रमुख कारण सर क्या है? एक MIM जैसी छोटी पार्टी जो सिर्फ हैदराबाद में थी, आज महाराष्ट्र बिहार तक पहुंच गई है, परंतु आम आदमी पार्टी के एक CM है दिल्ली में, बहुमत वाली सरकार है, परंतु महाराष्ट्र में अभी तक आप लोग ने वो जगह नहीं बना पाए, क्या कारण है सर इसका? इसका कारण ये है कि हम एक अलग किस्म की राजनीति करना चाहते हैं। MIM पार्टी हिंदू मुस्लिम और BJP हिंदू मुस्लिम करती है, वो एक मेक को सपोर्ट करते रहते जी। ज़्यादा कड़वा धर्मवाद जो करेगा तो दोनों को भी फायदा हो रहा है। औरंगाबाद में हिंदू विरुद्ध मुसलमान ऐसी लड़ाई हो गई, MIM विरुद्ध शिवसेना ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आम आदमी पार्टी धर्म राजनीति छोड़ के एक लोगों के विकास की राजनीति करना चाहती है। विकास की राजनीति करने के लिए जो भी अच्छा करना है तो उसको देर लगता है। भड़काऊ भाषण करके या इमोशनल इशू बना के चुनाव में जाना अलग बात है, और कोई विकास का प्रोग्राम लेके जाना अलग बात है। दिल्ली में जब विकास का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया तो फिर दिल्ली के लोगों ने धर्म राजनीति को बाजू कर दिया और विकास के ऊपर वोट दिया। वैसे करने के लिए 4-5-7 साल लगे। हम पहली बार चुनाव में जा रहे थे तो उतना सपोर्ट MIM को भी ज़्यादा दिन लगे, हैदराबाद से आने को 10-15 साल लगे बाहर जाने को, हमें तो 4-5 साल हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब बोर हो गए धर्म की राजनीति को, विकास की राजनीति। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत का चुनाव का मतलब यह है कि लोग विकास की राजनीति चाहते हैं, लोगों को होना है, उनके पास जाने वाला कोई नहीं था, हम चले गए, हमको लोगों ने सपोर्ट दिया जी। सर, अभी आप लोगों ने तो ऐलान कर दिया कि आप BMC का जो चुनाव है वो आप लड़ने वाले हैं, परंतु सर तभी आप BMC का चुनाव लड़ोगे, सबसे महंगा बजट है, सबसे महंगा कॉरपोरेशन है पूरे एशिया का। यहाँ पर तमाम जो BJP हो, कांग्रेस हो या फिर भाजपा के जो उम्मीदवार लड़ते हैं तो 25-50 लाख तो खर्चा करते हैं। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, जो अभी चुनाव लड़ेंगे, इनके पास तो पैसा नहीं है। तो सर, पैसे का जो फाइनेंस है वो कैसे आप इकट्ठा करोगे, कैसे आपका रणनीति होगा BMC चुनाव के लिए? एक हमारे जहन में से ये निकलनी चाहिए कि पैसे से चुनाव जीता जाता है, क्योंकि भारत में कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को अगर एक आधा पसंद आ गए, पर्याय मिला, तो लोग चुनाव अपने हाथ में लेते। लोग चुनाव उम्मीदवार के तरफ या पार्टी के पास नहीं रखते, लोग चुनाव अपने हाथ में लेते। जैसे 77 का चुनाव हो इंदिरा गांधी को गिराने वाला, 89 का चुनाव हो, 1989 का हो, या दिल्ली के तीनों चुनाव हो। दिल्ली के चुनाव के बारे में पैसा BJP के पास बहुत था, लीडरशिप बहुत थी, दादागिरी बहुत थी, कुछ करने का छोड़ा नहीं था, तो भी दिल्ली के लोगों ने वोट दिया। इसका मतलब दिल्ली का रिक्शे वाला, दिल्ली का फेरी वाला चुनाव अपने हाथ में लेके खुद कार्यकर्ता बनके वो चुनाव लड़ रहा था। ऐसी जब स्थिति पैदा होगी, अगर एक साल में बंबई में हमारे लोगों ने चुनाव लोगों के हाथ में जाने का कैसे दे देंगे, इसकी अगर रणनीति आके अगर लोगों को साथ लेके चुनाव लोग लड़ रहे हैं, ऐसा अगर हम कर सके तो चुनाव जीतना इतना मुश्किल नहीं है। जैसा कि हम ग्राम पंचायत में चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव सबसे कठिन रहता है जी। उसका संघर्ष भी ज़्यादा। कोल्हापुर में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोल्हापुर महानगर पालिका का चुनाव, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले मीटिंग लेके मुझे बुला के बोले कि 50 लाख रुपये हम दे रहे हैं। क्राउड फंडिंग चालू है तो 15 दिन में 2-3 लाख के ज़्यादा क्राउड फंडिंग हो गया। रस्ते से फिरने वाले ठेले वाले दुकानदार पैसे दे रहे, इसका मतलब यह है कि लोगों पर्याय चाहते हैं, अगर अच्छा पर्याय मिले तो लोग वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं जी। सर, क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वो महाराष्ट्र में मुंबई में आने वाले चुनाव के लिए कि सिर्फ प्रीति मेनन, रंगा रायचूरे, धनंजय शिंदे, इनके चेहरे पर आप चुनाव लड़ोगे? अब प्रीति मेनन इसका लीड कर रही है मुंबई का चुनाव, तो वही उसके चेहरे पर ही लड़ेंगे, वो तो आ जाएंगे। अरविंद जी आने वाले? हाँ, वो सब आ जाएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा चुनाव है तो आ जाएंगे।
इसका कोई प्रॉब्लम। सर आखिर में क्या संदेश रहेगा आपका तमाम महाराष्ट्र के रहवासियों के लिए, मुंबई के रहवासियों के लिए, कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े, क्योंकि बीएमसी का चुनाव को लगभग अभी एक साल से भी कम का समय वक्त बाकी रह चुका है। क्या संदेश रहेगा आपके मुंबई के रहवासियों के लिए कि वो आए और आम आदमी पार्टी को चुने? दुनिया में मुंबई का नाम सबसे अच्छा बोल के है। आजकल देखा तो मुंबई इतने ख़राब कर दिया है ये लोगों ने, और मुंबई का इतिहास देखने के बाद ऐसा लगता है कि मुंबई का नाम लेने वाले मुंबई का नाम लेने के लिए पूरी दुनिया, यानी कि आर्थिक राजधानी है, इसको लूटने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है। मुंबई की लूट अगर ख़त्म करनी है तो एक ईमानदार पार्टी चुनना मुंबई के लोगों का कर्तव्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि वोट आपको किसको दे और अच्छाई भी देखे, बुरे को वोट दे और अच्छाई देखे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे मुंबई के लोगों को, कार्यकर्ताओं को ये रिक्वेस्ट है कि मुंबई अगर बाद में और एक बार अच्छी तरह से खड़ी हो, ईमानदारी का राजनीति हो, ऐसा चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी ने प्रूव कर दिया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ईमानदारी से राजकारण करती है। हवाई में बात नहीं करते हम, हवा हवाई में करके दिखाया है, आपके सामने भी वैसा ही करेंगे। अगर लोग खुद होके चुनाव में उतरे और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहे तो ये न होना नामुमकिन है, हो सकता है, मुमकिन है, ये कर सकते हैं मुंबई के लोग, ये हमें भरोसा है, इसलिए हम इस चुनाव में जा रहे हैं।